पिछले 24 मई से हड़ताल चल रही संविदा स्वास्थ्य कर्मी की हड़ताल समाप्त हो गई। सरकार की ओर से आश्वासन मिलने के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मी प्रदेश संगठन ने यह निर्णय लिया। संविदा स्वास्थ्य कर्मी संगठन ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाई गई। चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा था। गुरुवार को सरकार की ओर से 15 दिनों में समस्या के सकारात्मक निराकरण के आश्वासन के बाद प्रदेश संगठन के आह्वान पर हड़ताल समाप्त कर दी गई। आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपने काम पर लौट आए। गौरतलब है कि हड़ताल से कोरोना काल में मरीजों के लिए परेशानी उत्पन्न होने लगी थी, जिसके चलते प्रदेश स्तर पर निर्णय लेकर हड़ताल समाप्त कर दी गई। प्रदेश स्तर पे जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है, टोटल प्रदेश में 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पे थे विगत 4 दिनों से, और जिले में लगभग 200 कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 200 कर्मचारी वो भी हड़ताल पे थे। कल जो दिन भर का जो वार्तालाप का दौर चलता रहा प्रदेश स्तर पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमारी MD मैडम जो है NHM की, उनसे लगातार वार्ता का दौर चला, जिसमें नीतिगत निर्णय लिया गया है कि जितने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है उनके ऊपर 90% लागू किया जाएगा, जिसके लिए NHM ने 15 दिन का समय मांगा है। चूँकि अभी कोविड का जो काल चल रहा है उसके अंदर माननीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम, चलो ठीक है, कोविड काल में भी हम हमारी सेवाएं दें, और शासन ने भी 15 दिन का समय मांगा है तो उनको समय दिया जाए। देखा जाए 4 दिन से हड़ताल पर किस तरह की सेवाएँ ठप हो गई थी, किस तरह के सेंटर बंद हो गए? 4 दिन की जो हड़ताल रही है इसमें सारी तरीके सेवाएं, जैसे कि देखें TB डिपार्टमेंट पूरा बंद हो चुका था, मरीजों को दवाई नहीं मिल पा रही, मरीजों को जांच नहीं हो पा रही है। अपना देखें तो NHM के अंदर जो DPM यूनिट है उसके अंदर रिपोर्टिंग का काम पूरा प्रभावित हो गया था। फील्ड में फीवर क्लिनिक बंद हो चुके थे, फील्ड में सैम्पलिंग बंद हो चुकी थी, रिपोर्टिंग कोविड सेंटर जो संचालित है सरकार के द्वारा वो भी बंद हो चुके थे। तो ये है कि 4 दिन में स्वास्थ्य सेवाएं तो काफ़ी चरमरा गई है। हम बिल्कुल जोश पूर्व की तरह हम वापस काम करने के लिए तैयार हैं, और आज से हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी नीमच जिले के सभी अपने अपने कर्तव्य स्थल पर कार्य के लिए पहुंच चुके हैं। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।